हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री राम के रूप में चैत्र शुक्ल की नवमी में अवतार लिया था। इसी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की गई। धर्मशास्त्रों के अनुसार रामनवमी के दिन ही त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई जगहों पर जुलूस निकाले गए जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और श्री राम जन्मोत्सव मनाया। Yeah.
सभी भाइयों से भी निवेदन किया कि नवरात्रि और शुभ आशीर्वाद भी दिए हैं और सबसे प्रेम के वार्ता के लिए चर्चा किए हैं कि रामनवमी पावन पर्व आप सभी को मंगलमय हो, सुंदर सुखमय हो। हिंदू सनातन धर्म का यह नवरात्रि पावन पर्व है। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम लोग गणगौर माता की उपासना करते हैं हमारे हिमाड क्षेत्र में। उसके पश्चात फिर रामनवमी का महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। हम उसी परम्परा को लेकर के आज यहाँ पर राम जन्म महोत्सव मनाया गया और इनके साथ में ही यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं से हमने यह निवेदन किया है।
रामनवमी प्रमुख त्योहार है जिसको भव्यता से मनाने के लिए एक महीने पहले बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने रूपरेखा तैयार की। इसके बाद वार्ड नगर एवं ग्रामीण स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी थी सभी कार्यकर्ताओं ने बखूबी निभाई और आज यह रामनवमी का त्यौहार भव्य मना। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं पठारी के सभी राम भक्तों को पत्रकारों को मीडिया बंधु सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे शोभा यात्रा में आकर इस शोभा यात्रा की शान बढ़ाई। के द्वारा राम दरबार सजाया और राम दरबार इसीलिए सजाया कि पुनः फिर से इस भारत में पूरे विश्व में राम राज्य हो। सबके भाव भी यही हैं, संकल्प है और ब्रह्मा कुमारी संस्थान का लक्ष्य ही है कि हर एक राम जैसा बने, हर एक नारी सीता जैसी बने और लक्ष्मण जैसा लक्ष्य श्रेष्ठ रखे कि ईश्वर के साथ जो गुण उनके अंदर थे, जो विशेषताएं थी, नम्रता, धैर्यता, उदारता, गंभीरता, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो जब तक हम मनुष्य आत्माएं सभी इन गुणों को धारण नहीं करेंगे तब तक हम विश्व में राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। तो यही संकल्प को लेकर के ये यात्रा निकाली। हर एक को ये उमंग उत्साह दिलाना चाह रहे हैं कि पुनः राम जैसा बने और राम जैसे गुण अपने अंदर धारण करें। इसी उद्देश्य को लेकर के ये राम यात्रा इस बजरंग दल के माध्यम से निकाली। ओम शांति। बजरंग दल ने संयुक्त रूप से मनाया, तीन वर्षों से मनाते आ रहा है। ऐतिहासिक रूप से इस कार्यक्रम में सभी ने सहयोग किया है। धार्मिक आयोजन है और पठारी में लोग सभी लोग घटित हुए।